आप सभी को ज़रूरी सूचना दे दी जाए कि हेडफोन ज़रूर लगाएं। इस वीडियो में यूज़ किए गए शब्द आपकी औकात के बाहर हैं। धन्यवाद। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज गान मराओ। It's not what it looks like. क्या माइला साला रेटिंग क्या गिर के हंसने लगा? हंसे का साले क्या कर लेगा? बोल लड्डू बटवाएगा, नाचेगा कूदेगा, बोल साला। So guys, रेटिंग की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूबर्स ने तहलका मचा दिया प्ले स्टोर पे, आप खुद ही देख सकते हैं यार। तो कैसे हैं आप लोग? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने, डिप्लोमा पीएचडी ने डिप्लोमा। मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना, सही है ले लो मजे ले लो। तेरी गांड कम मारी पब्लिक ने। सो गाइस फाइनली आपने देख ही लिया होगा कि ये फाइट जो है कितने बड़े अंजाम पे आके खड़ी हुई है। आपने देखा कि पहले लोग मजाक में लेते थे यार यूट्यूब से टिकटॉक बहुत मज़ा आएगा, बट गाइस ये सीरियस हो गया है थोड़ा मैटर, क्योंकि यहाँ पे अब किसी ना किसी गाली दी गई है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी गई है बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए। तो गाइस ये थोड़ी ख़राब बात है। और आपने देखा होगा यूट्यूब से टिकटॉक से रिलेटेड तो बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो डाल दिए, जिनमें से सबसे ज़्यादा वीडियो हिट हुआ था कैरी मिनाटी का। कैरी मिनाटी का वीडियो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दी एंड वाला, एंड वो वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो, भाई मेरे को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उस वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया है और कैरी भाई ने रिप्लाई कर दिया, आप उस वीडियो में वापस नहीं ला सकते हो कुछ भी करके, वो रिकवरी नहीं हो सकती उस वीडियो की। साथ ही में टेक्निकल गुरुजी ने भी अपने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपने सारे फोन्स में से टिकटॉक डिलीट कर दिया था। अब मैं तो जानता हूँ फैंस को बहुत पसंद आया होगा। हिंदुस्तानी भाऊ ने भी अपना एक रिप्लाई वीडियो बनाया था आमिर सिद्दीकी को, जब उन्होंने जो है कॉल रिकॉर्डिंग उनकी लीक हुई थी उसमें, तो उसके ऊपर इन्होंने रिप्लाई किया था। मैं आपको बताऊं तो ये वाला वीडियो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरे को बहुत मज़ा आया था सुनने में यार। एनीवेज मेरा मजाक कर रहा था, ये वीडियो में कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट हो या फिर आपके लिए हेट्रेड फैलाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी हेट्रेड नहीं डालना चाहता था, बट इन केस अगर मेरे से कोई गलती हुई हो यार आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना। और क्योंकि भाई पहली बार मैंने मीम टाइप वाला वीडियो बनाया, इससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ फन के रूप में ऐसे बना दिया कि अब भाई इतना टेंस का माहौल चल रहा है तो भाई टेंशन के टाइम पे थोड़ा चिल करो, आप लोग भी घर में बैठ के मज़े करो, और क्या है भाई करना क्या है और ज़िंदगी में। तो भाई मैं बस यही कहना चाहता था कि कोई हेट्रेड नहीं, कोई नफरत नहीं, सब लोग यार सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, आप देखोगे तो कि कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। खैर आज की वीडियो में तब तक यार बहुत मेहनत लगी, लाइक करना ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।